जिला प्रशासन की पहल से हरिफाटक ब्रिज के नीचे बनी मंडी में लगा एक दिवसीय जैविक खाद्य पदार्थों का मेला। उज्जैन कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ की पहल से किसानों को प्रेरित कर हरिफाटक ब्रिज के नीचे बनी मंडी में जैविक खाद्य पदार्थों का एक दिवसीय मेला आयोजित किया गया। किसान ईश्वर सिंह डूडिया ने जानकारी देते हुए बताया, अभी जिला प्रशासन की ओर से हमें यहां पर एक दिवसीय ट्रायल बेस पर जैविक पदार्थों की बिक्री के लिए मेला लगाने को कहा गया था। यदि लोग आते हैं और किसानों को फायदा होता है तो यहां पर प्रति सप्ताह जैविक खाद्य पदार्थों का मेला लगाया जाएगा, जिससे शहरवासियों को व किसानों को दोनों को ही बहुत फायदा होगा। किसानों को मंडी में जाकर अपने सामान की बोली लगाना पड़ेगी और वह सीधा आम लोगों तक अपनी सामग्री बेच पाएगा। एक दिवसीय जो लगाएगा ये जैविक मेला है। जैविक सामग्री जो होती है, सब्जियां, फल, अनाज, दाल, तेल, मसाले, तो ये किसान अपने अपने हिसाब से उगाते थे, इसको बेचने में उनको दिक्कत आती थी। तो हमारे कलेक्टर साहब ने और जिला पंचायत के सीईओ मैडम ने इन्होंने कि हमारी मीटिंग करी और उन्होंने बोला कि अगर हम इसको रेगुलर करते हैं, अगर हाट लगाने की आपको जगह देते हैं तो क्या आप लगाएंगे। हमने हाँ करी और अभी ट्रायल बेस पे आज मेला लगाया। यहाँ सारे किसान आए हुए हैं, सब ने अपने अपने प्रोडक्ट लेके आए हुए हैं और बेचने के हिसाब से पब्लिक आएगी, खरीदेगी, खाएंगे, उनको टेस्ट पता चलेगा, स्वास्थ्य लाभ होगा। तो ये उद्देश्य है कि जो किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं उनको बेचने की भी दिक्कत होती है और कस्टमर को वो चीज़ मिल नहीं पाती है, वो ढूंढते रहे ताकि कहाँ मिलेगा ऑर्गेनिक। तो ये एक जगह ही निश्चित हो जाएगी कि यहाँ ऑर्गेनिक सब्जियाँ, दाल, तेल, मसाले सब मिलेंगे। किसानों को अगर इससे जुड़ते तो इससे क्या फ़ायदा है? किसानों को आमदनी का फ़ायदा है कि भाई किसान इतनी मेहनत से करता है तो उसको आमदनी जैसे डबल हो जाती है, या अपने प्रोडक्ट की कीमत वो खुद तय करेगा यहाँ पे कि मेरा ये भाव बेचना है मुझे। अच्छा, मंडी में जाके भाव बोलने का? हाँ, मंडी में भाव जाने का बोलने का कोई बात नहीं। अच्छा, आप आपकी कितनी दुकान है यहाँ पर? मैंने ये दो दुकान ली है जिसमें सब्जियाँ भी हैं, फल, अनाज, तेल, मसाले आप देख ही रहे हैं। ये ईश्वर सिंह डोडिया और मैं 2013 से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ और MP सोका भोपाल की संस्था से सर्टिफाइड भी हूँ।